अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक ऐसी एरिया के अंदर मौजूद हैं जो कि गुजरांवाला का तारीखी विरसा है। एक ऐसी हवेली के अंदर मौजूद हैं जहां पर बादशाह वक्त जो है वो पैदा होते हैं, और इसी हवेली के अंदर वो कमरा भी मौजूद है जहाँ पर बादशाह वक्त जो है उस वक्त का जो हिंदू दौर का पहले बादशाह थे वो पैदा हुए। और एक ऐसा मैं आप लोगों को हवेली दिखाऊंगा जो कि जहाँ पर बैठकर तमाम तर सल्तनत के जो अमूर थे वो चलाए जाते थे, और तमाम तर सल्तनत इस हवेली के अंदर बैठ के जो है इसके तमाम मामला को कंट्रोल किया जाता था। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम पर इस हवेली को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और इस हवेली के मतलब तमाम चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इस हवेली के अंदर जो है हम लोग जिसके अंदर मौजूद हैं, इस हवेली की तमाम चीज़ें जहाँ पर बादशाह वक्त जो है वो पैदा होता है, जहाँ पर ये जो बादशाह वक्त जो है अपनी तमाम तर सल्तनत को चलाता है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जो हवेली है इसके मतलब तमाम चीज़ें कि किस तरह हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके तमाम चीज़ों को देख रही है और किस तरह इसको जो है वो दोबारा से इसकी रिपेयरिंग की जा रही है, या इसके मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितनी सीरियस है, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इस वीडियो के उस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं बता दूं कि ये जो आज से कुछ दिन पहले मैंने इसी बादशाह वक्त की जो बाड़न दरी है, इसकी जो अदालत है जहां पर ये अदालत लगाया करता था और फैसले किया करता था, उसकी वीडियो में मैंने अपलोड कर दी हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप लोग उसको क्लिक करके वह तमाम वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये है हवेली का बरूनी हिस्सा, यानी कि बाहर से अगर देखा जाए तो बाहर से ये हवेली इस तरह नज़र आती है, और ये मच्छी बाज़ार के साथ ही बिल्कुल है। और इस तरफ ये एक बहुत बड़ा उस वक्त बाग हुआ करता था, जो कि आज हुकूमत ने ये साइड पे इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, साइड पे ये चीज़ें लगा कर बंद कर दिया। ये देखें, ये तमाम बाग हुआ करता था जो कि हुकूमत ने इस वक्त बंद कर दिया, और साथ ये इसके मच्छी बाज़ार है, गुजरांवाला का मशहूर मच्छी बाज़ार। और इसके साथ ही वो सामने आप दरवाज़ा नज़र आ रहा है इस हवेली का, ये आप लोग दरवाज़ा देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक गली है, गली के अंदर ये आप हवेली ऊपर से देख सकते हैं। ये देखें आप लोग, ये दरख्त देख लें, ये जो दरख्त आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है, और देखें ये इमारत के साथ उसी तरह लिपटा हुआ है। और ये इस इमारत की आप लोग हालत देख रहे हैं, ये हवेली उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। ये देखें, एक इसका दरवाज़ा ये है, ये दरवाज़ा उसी वक्त का दरवाज़ा है, ये उतना ही पुराना है जितनी कि यह हवेली, और ये जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है ये भी उतनी ही पुरानी है। ये आप लोग गली देख लें, और शायद आपको यहाँ पर आने की इजाज़त ना मिले। ये वो दरवाज़ा है जो कि इस वक्त कब्ज़ा करके लोगों ने यहाँ पर अपनी रहायशगाह कायम की हुई है। और इसके अंदर आप लोग ये देख लें, ये जो है वो ये कुआँ है, ये उस वक्त का कुआँ हुआ करता था, आप लोग ये देख सकते हैं। ये दीवार है, और दीवार के दूसरी तरफ जो है हवेली है, और ये इस वक्त किसी की रहायशगाह है। और ये है इसका मेन दरवाज़ा जहाँ से हम लोग जो है इसके अंदर दाखिल होते हैं, जो कि आज भी खुला हुआ ये दरवाज़ा है। और इस हवेली का एक छोटा सा हिस्सा अभी बाकी बचा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है लोगों ने इसके ऊपर जो है अपनी रहायशगाह कायम की हुई है। और आप लोग जब दाखिल होते हैं इसके साथ ही आप लोगों को वो कमरा दिखाई देता है जहाँ पर बादशाह राजा रंजीत सिंह जो है वो पैदा होते हैं। तो ये जो कमरा आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो कमरा है ये बादशाह वक्त जो है उस वक्त का जो बादशाह था
उसका हवेली का कमरा है और इसके अंदर वो बादशाह पैदा होता है जो कि इस पूरी सल्तनत का, जो कि सिख दौर की पहली सल्तनत थी, उसकी शुरुआत करता है। और उसके बाद ये आप लोगों को मैं अंदर से भी ये कमरा दिखा देता हूँ कि अंदर से ये कमरा कैसा है। तमाम तर तफसीलात को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जब एंट्रेंस के आप लोग एंटर होते हैं, एंटर होते ही बिल्कुल इसके साथ ही ये वो कमरा है। दोनों तरफ दरवाज़ों के ये कमरे हैं, जहाँ पर दोनों तरफ कमरे हैं, लेकिन जिस जगह पर वो पैदा होता है वो ये कमरा है। यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, वो जो आप लोगों को एक वाइट कलर की वो एक निशान नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है जो कि बाद में गवर्नमेंट ने बनाकर ऊपर लिखवाया था कि इस जगह वो जो बादशाह है वो पैदा होता है। तो आप लोगों को मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से ये जो है वो कैसा है। तो अंदर से देख लें, ये वो कमरा है, ये ऊपर बादशाह वक्त की, वो जो उस वक्त के बादशाह की तमाम तारीख पैदाइश है कि किस दिन वो पैदा होता है। दो नवंबर 1780 को वो पैदा होता है। तमाम चीज़ें वहाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये वो कमरा है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर वो पैदा होता है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, जिस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो सही समझ नहीं आ रही होगी और मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही होगी। ये वो अंदर कमरा है तमाम तर, ये उस वक्त रोशनदान बनाया गया है जहाँ से बाहर से रोशनी जो है वो अंदर आती है। और इस वक्त इसकी आप हालत देख रहे हैं कि किस कैसी हालत में इस वक्त मौजूद है। और ये एक छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पर उस वक्त जो है यहाँ पर चिराग रखे जाते थे, और चिराग रखने के बाद ये दो रोशनदान चिराग रखने के लिए बनाए गए हैं। और उसके बाद एक बाहर से जो रोशनदान था वो इस तरह का बनाया गया था। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसके बिल्कुल साथ वाला कमरा है, ये भी बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है, उसी तरह की इसकी तमाम तर कंस्ट्रक्शन की गई है, उसी तरह इसका जो है वो रोशनदान रखा गया है। और वही तमाम चीज़ें जो उस कमरे के अंदर मौजूद थी, वही तमाम चीज़ें इस कमरे के अंदर भी मौजूद हैं। ये देखें, दूसरी तरफ ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से बिल्कुल दोनों तरफ जो है ये दो कमरे सामने तरफ से हैं, और दो कमरे जो हैं इस तरफ हैं। उसके बाद जो है वो सामने बिल्कुल एक बड़ा हॉल नज़र आता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक बड़ा हॉल है। जी तो आप लोगों ने देखा उसकी पैदाइश का कमरा देखा, और ये हॉल आप लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं कि उस वक्त की जो इमारत तमीर की गई है, इसको दोबारा से जो है वो रीबिल्ड भी नहीं किया गया। ये उसी तरह है बिल्कुल जिस तरह उस वक्त ये बनाई गई थी। उसके बाद ना इसको दोबारा बनाया गया, ना हमारी गवर्नमेंट ने इसको दोबारा बनाया, और ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं। ये इसके हाल के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये हाल देख लें इसका, ये सामने आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम वही चीज़ें हैं जो कि उस वक्त की बनी गई हैं। हाल में से आप लोग बाहर की ये तमाम चीज़ें देखते हैं, तो ये एक सीढ़ियाँ इस तरफ बनाई गई हैं, और ये जो सीढ़ियाँ हैं इससे बिल्कुल सामने तरफ आप लोग दूसरी तरफ देख लें, ये आप लोग दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूँ। एक सीढ़ियाँ जो हैं वो इस तरफ बनाई गई हैं, ये बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सीढ़ियाँ हैं, और ये भी जो हैं उसी वक्त की सीढ़ियाँ हैं, ये उसी तरह बनाई गई हैं। ये देखें आप लोग इसकी छत देख लें किस तरह है। खालसा राज की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह था। और उसके बाद ये आप लोगों को मैं उसकी दीवार, ये देखें उसी तरह उस वक्त की बनाई गई है, और उसी तरह की उस मिट्टी है जो कि आप लोग जो आप लोग देख रहे हैं कि वो मिट्टी जो है उस वक्त की जो मिट्टी थी
वो गिरना शुरू हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये टूट फूट का शिकार है यह अंग्रेजी। और यहाँ पर कोई चीज़ ना हुकूमत बिल्ड कर रही है ना इससे। और इसका मैं आप लोगों को फ़र्श दिखा दूँ, ये देखें फ़र्श भी बुरी तरह टूट चुका हुआ है, देख सकते हैं। इस वक्त जो है बादशाह वक्त एक ऐसा बादशाह जो कि तमाम अपना जो हिंदू दौर है उसकी शुरुआत करता है और उसको शुरू करता है और अपने नाम के साथ महाराजा लगवाता है। बाद में वही जो बादशाह है वो अपनी हवेली की उसकी हालत देख रहे हैं कि वो जो हवेली है अब उसी तरह जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई काम नहीं कर रही। ये आप लोग दीवार देख रहे हैं जो कि उस वक्त की बनाई गई है, लेकिन इस वक्त जो है वो बुरी तरह तोड़ फोड़ का शिकार है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है वो ईंटें वगैरह निकाल ली गई हैं। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि उसी तरह जिस तरह पहले बनाई थी काफ़ी चौड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी जो है मोटाई में काफ़ी ज़्यादा इसकी दीवार है, लेकिन अब जो है वो टूट फूट का शिकार है। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर जो है वो क्या है। जैसे ही आप लोग ऊपर दाखिल होते हैं ऊपर दोनों तरफ जो है सामने इस तरह और दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है वो दरवाज़ा बनाया गया है। अगर आप लोग इस तरफ आना चाहें तो इस तरफ आ सकते हैं, अगर उस तरफ जाना चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। जी तो इस वक्त मैं जो इसकी सबसे ऊपर वाली छत है उसके ऊपर आ चुका हूं। तो इस वक्त जो है आप लोग मेरे पीछे वो ये पूरी जो हवेली है इसका मंजर देख सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी हवेली किस तरह नज़र आती है। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ऐसी जगह जो कि 100 साल से काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है और वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोग सामने बिल्कुल देखें अपने, ये देखें ये जो मीनार नज़र आ रहा है ये टेम्पल है, यानी कि हिंदुओं का मंदिर है। हिंदुओं का मंदिर सिमनाद एक ऐसी जगह जहां पर हिंदू जो है वो अपनी इबादत करते हैं। और ये जो सामने सारा नज़र आ रहा है ये सारा जो है वो मच्छी बाजार है और इसके सामने ये पार्क हुआ करती थी, ये जो यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगी हैं, लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत ने इसको जो है वो बंद करवा दिया। ये उसी तरह का उस वक्त जो है यहाँ पर पार्क हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसमें अंदर जो है वो टाइल्स वगैरह लगा कर जो है इसको दोबारा से बिल्ड किया गया है। और ये वो मच्छी बाज़ार है गुजरांवाला का, इसके बिल्कुल साथ जो है ये मौजूद है। और ये उस वक्त का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो उस वक्त भी कायम था, वही मंदिर जो है आज इस वक्त भी उसी की तरह जो है मौजूद है। इसको बंद कर दिया गया और अभी जो है इसके अंदर इबादत वगैरह तो नहीं होती, जो हिंदू अपनी रसूमात करते हैं वो भी नहीं होती, लेकिन तमाम चीज़ें बंद होने के बावजूद जो है ये जो टेम्पल है अभी भी उसी तरह मौजूद है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो बाज़ार आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आज से काफ़ी साल पुराना है, यानी कि 200-300 साल पुराना ये जो ये बाज़ार है वो है। यहाँ पर उस वक्त जो मेन बाज़ार हुआ करता, ये जो मछली बाज़ार आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऐसा बाज़ार है जो कि उस वक्त भी मेन बाज़ार ही हुआ करता था और आज भी इतने साल गुजरने के बाद भी ये वही बाज़ार जो है आज भी मेन बाज़ार है। और उसी जगह ये तमाम चीज़ें वाक़ हैं जो उस वक्त के अंदर उस हुकूमत के अंदर
उस जो सिख हुकूमत थी उन्होंने जो चीज़ें कायम की वह भी उसी तरह, वो इमारत वो हवेली भी उसी तरह वाक़िया है, और जो मंदिर था वो भी उसी तरह वाक़िया है, और उसके बाद वो बाज़ार, इतने साल पुराना बाज़ार जो कि उस वक्त मेन बाज़ार हुआ करता था, यहाँ पर तमाम दूर दूर से लोग जो है इस जगह तजारत के लिए आते थे, आज भी उस बाज़ार को मेन बाज़ार की हैसियत हासिल है। और उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कुछ साल पहले ये बाज़ार के अंदर लोग जो है वो तजारत करते थे, आज भी उसी तरह तजारत करते हैं। कमरा आप लोग देख रहे हैं, ये इस पूरी हवेली का सबसे बड़ा कमरा है। ये जो कमरा है, यहाँ पर तमाम बादशाह जो है वो अपने महफिल लगाया करता था। अगर कोई काम होता तो यहाँ पर ही वो बैठकर अपने तमाम पर कामों को देखा करता था। और इस कमरे के ऊपर से बैठकर आप पूरा बाज़ार भी देख सकते हैं। अगर आपका दिल करता है किसी बाज़ार को देखने का, अगर आप लोग जो है कहीं पर टहलना चाहते हैं, तो ये वो जगह होती थी जहाँ पर बादशाह जो है वो इस जगह पर टहला करता था। तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ से पूरा बाज़ार नज़र आता है। एक ऐसी उन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि तमाम चीज़ें जो है यहाँ से बैठकर देखी जा सके। ये देखें, ये इसके अगर दरवाजे से बाहर निकलें तो ये इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर बादशाह जो है वो पूरा बाज़ार जो है वो देखा करता था। और ये देखें, ये वो दो दरवाज़े हैं जो आप लोगों को मैंने बाहर से दिखाया था, वो दरवाज़ा बंद था, वो यही दरवाज़ा आप लोग देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा है। और दूसरी तरफ जो है वो कोने पे दरवाज़ा है जो कि उस वक्त का ही दरवाज़ा है। और उसके अलावा ये एक और चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, ये देखें, ये कुछ चिराग पड़े हुए हैं, ये पता नहीं उस वक्त के हैं या अब किसी ने रखे हैं। और ये वो जगह होती थी जहाँ पर जो है वो चिराग जलाया करता था, इस जगह जो है वो चिराग रख के जलाया करते थे। और ये वो खिड़कियाँ, और उसी वक्त की ये लकड़ी है, और उसी वक्त की ये बनाई गई ये जो है दीवारें हैं, और ये खिड़कियाँ उसी वक्त की हैं। ये हवेली का एंट्रेंस, और आप लोग देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो उस वक्त जो है बनाई गई हैं, उस वक्त की इतनी इतनी तरीफ पुरानी है, जितनी पुराना ये जो सिख दौर था वो उसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग वो डिज़ाइन उसी तरह से ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब जो है हम लोग जा रहे हैं वापस, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो और हमारा ये सिलसिला वीडियो का पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो इस वक्त जो है मैं जा रहा हूँ वापस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।